बिलासपुर में न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर असर हुआ है। स्कूल में धर्मांतरण के खेल पर आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला क्या है आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बिलासपुर में न्यूज 18 की खबर पर एक्शन जारी है। धर्मांतरण का एजेंट बने हेडमास्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदू संगठनों ने आरोपी हेडमास्टर का पुतला जलाया और उसके बाद थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल पर केस दर्ज कर लिया है। 1/2024 को एक वीडियो मीडिया में लगातार प्रसारित हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाया जा रहा है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे और अन्य तरह से, जिसपे आज हिंदू संगठन के रुपेश कुमार शुक्ला निवासी बिरकोना के द्वारा लिखित में आवेदन भी दिया गया है, जिस आवेदन पत्र पर थाने में 153A और 295A IPC के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जाएगा। न्यूज 18 ने खुलासा किया था कि सरकारी प्राथमिक स्कूल भरारी का हेडमास्टर छात्रों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिला रहा था। ये वीडियो अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी का बताया जा रहा था। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर चलने के बाद सरकार और प्रशासन हरकत में आया और DEO ने आरोपी हेडमास्टर को सस्पेंड कर दिया और अब उसके खिलाफ FIR हो गई है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य की रिपोर्ट।